नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल देता है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से जुड़ी सबसे तेज अपडेट। तो सारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला मेरिट वालों के लिए सुनाया था कि आपकी भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, जिसका अंतिम निर्णय 2 दिन बाद सरकार को लेना था। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि सरकार ने बिल्कुल भी नहीं की है कि क्या मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। यानी सरकार इस बात को लेकर आनाकानी कर रही है कि भर्ती मेरिट के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इससे साफ जाना जा सकता है कि आप लोग की भर्ती संशय में है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आप लोग की परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद ही आपकी भर्ती होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो निर्णय हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में डाला था वो लगभग ना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बात की पुष्टि सरकार को करनी थी और सरकार इस बात से बिल्कुल दूर है और वो इस बात पर कोई भी निर्णय लेने को तैयार ही नहीं हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी भर्ती जो 100% क्लियर हो गई थी कि आपकी जो भर्ती है वो मेरिट के आधार पर ही होगी, अब उसका निर्णय सरकार के हाथ में है। देखते हैं सरकार करती क्या है, लेकिन सरकार इस बात पर फैसला लेने से बिल्कुल भी इनकार कर रही है। तो मित्रों, आगे की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।